हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग झारखंड एकेडमिक काउंसिल के पेपर में आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। सीबीएसई और झारखंड बोर्ड का सिलेबस ऑल्दो सिमिलर है, बट मैकेनिज्म जो है दोनों का एकदम डिफरेंट है। अगर आपको झारखंड बोर्ड के पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो मैं कुछ पॉइंट रख रहा हूँ, उन सारे पॉइंट को आप देखिए, समझिए और अगर आपको अच्छा लगता है तो इम्प्लीमेंट करिए। ये सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने ऑब्जर्व किया है और ये अप्लाई किया हुआ है मेरे स्टूडेंट्स पे। तो अगर आप इन सारे पॉइंट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो बेशक आपका मार्क्स बहुत बेहतरीन होगा। क्लियर है? पॉइंट वाइज बात करेंगे यहाँ पर। देखिए, अभी लॉकडाउन का कंडीशन चल रहा है और इस ड्यूरेशन में बात यह है कि आप बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ तो लेते होंगे, लेकिन चीज़ों को कैसे पढ़ना है और स्पेशली झारखंड बोर्ड के लिए, सीबीएसई की बात थोड़ा अलग है, झारखंड बोर्ड के लिए किस तरीके से पढ़ना है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। क्लियर? चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स के लिए अगर स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी कम्प्लीटली आपको सॉल्व कर लेना है। एनसीईआरटी फर्स्ट, इस स्टेप में क्या करना है आपको कि पूरे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना है। अब लाइन बाय लाइन अगर सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, इसका साफ मतलब है कि आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है और एग्जाम्पल भी सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नहीं छोड़ सकते आप। क्लियर है बात? तो एग्जाम्पल भी सॉल्व कीजिए, एक्सरसाइज भी सॉल्व कीजिए और एनसीईआरटी को कम्प्लीटली सॉल्व कीजिए। क्लियर? शुरू से लेकर के लास्ट तक, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप पर अगर बात करें हम लोग तो है कि सप्लीमेंट एनसीईआरटी विथ आरएस अग्रवाल बुक। अब यहाँ पे देखिए दो तरीका है। दो तरीका क्या क्या है, आपको क्या करना है कि जो एनसीईआरटी आप सॉल्व कर रहे हैं उसको सप्लीमेंट करना है आरएस अग्रवाल से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए कि आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सोल्व कर रहे हैं तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सोल्व करते वक्त आप क्या कीजिए कि आरएस अग्रवाल बुक भी आप सोल्व करते जाइए। अब इसको करने का दो तरीका। पहला तरीका तो ये है कि एनसीईआरटी पहले सोल्व किया और उसके बाद आरएस अग्रवाल सोल्व कर लिया। और दूसरा तरीका ये है कि आपने एक तरीके का क्वेश्चन देखा, जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, मान लो फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2 एनसीईआरटी में, तो आरएस अग्रवाल में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है बात? तो एनसीईआरटी के बेसिस पे क्वेश्चन का नंबर बढ़ा लीजिए, क्वेश्चन का थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ा लीजिए और उसके हिसाब से रेडी कर लीजिए। तो यहाँ पर होगा क्या कि जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर है बात? इससे आपकी तैयारी थोड़ी नेक्स्ट लेवल में चल जाएगी, प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास ज़्यादा होंगे। दूसरा स्टेप इम्पोर्टेंट था कि आपको एनसीईआरटी को आरएस अग्रवाल बुक से सप्लीमेंट करना है। अब कई लोग ये बोलते हैं कि क्या सर आरडी शर्मा बनाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल, आप जितना बुक बनाएंगे उतना ठीक रहेगा, बट एट द एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि उस बुक को कम से कम 2 से 3 बार रिविजन करिए, क्योंकि आप 10 बुक अगर बना रहे हैं एक बार वो फ़ायदा नहीं करेगा। एक बुक को अगर आप 10 बार बनाते हैं बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। ऑल्दो एनसीईआरटी ही सफिशियंट है, बट आप आरएस अग्रवाल एक स्टैंडर्ड बुक रख लीजिए उसको सोल्व करने के लिए, क्वेश्चन उस तरीके का सोल्व करने के लिए। क्लियर हो गया बात? तो ज़्यादा सोर्स नहीं आपको रखना है कि 5 बुक रख लिया और उसके बाद एक एक बार देख लिया, ऐसे नहीं, 1-2 बुक ही रखिए, उसको रिविजन करना है खूब सारा। क्लियर है बात? नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। देखिए, जब भी आप पढ़ रहे हैं ना उस समय बुक में ही आपको कुछ वर्ड्स यूज करने हैं। कुछ वर्ड्स मतलब QFR, ये क्या है, क्वेश्चन फॉर रिविजन, ठीक है, QFL क्वेश्चन फॉर लर्निंग, RV रिविजन अगर आपको रिमेम्बर करना है कुछ ही तो RM लिख लीजिए, या आप अपने तरीके से कोई भी शॉर्ट वर्ड यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जब आप रिविजन के लिए बैठिएगा तो आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे को रिवाइज करना था, ये क्वेश्चन लर्न करना था। अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सी लिख दिया, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब जब रिवाइज कर रहे हैं उस समय उस क्वेश्चन को आप मिस नहीं कर सकते, उस समय आप उस क्वेश्चन को करिएगा ही करिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन लिख दिया वहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से कुछ वर्ड्स बना लीजिए, कीवर्ड्स बना लीजिए और जब आप सोल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके का आपको उस क्वेश्चन को देख करके फीलिंग आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन को मेरे को फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से याद करना पड़ेगा, तो उसको आप उसी तरीके का वर्ड वहाँ पर लिखते जाइए, रिविजन में आसान होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी आपको लगता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका रिवीजन का टाइम बहुत रिड्यूस कर देगा ये। नेक्स्ट पॉइंट, मेक शॉर्ट नोट्स। देखिए,
जो चीज़ें आपको पढ़नी है ना, वो जब आप लास्ट डे रिवाइज करेंगे तो पूरा RS अग्रवाल आप रिवाइज नहीं कर सकते, पूरा NCERT आप रिवाइज नहीं कर सकते, पेज पलटते पलटते बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। अब इससे बचने के लिए क्या करना है कि आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। क्या करना है आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स कैसा होगा, हर एक चैप्टर को आपको मैक्सिमम 2 पेज में इंट्रोड्यूस कर देना है, 2 पेज में आपको लिखना है हर एक चैप्टर को। शॉर्ट नोट्स ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आप उस 2 पेज को पढ़ें तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, 2 पेज को पढ़ें तो पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। 20 से 30 पेज में आपका पूरा शॉर्ट नोट्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये इस तरीके से बनाया जाना चाहिए कि अगर आपके पास सिर्फ 1 घंटा भी है तो आप आराम से रिवाइज करके जा सकें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं। याद रखिएगा, आपको मिस नहीं करना है। ये था पॉइंट नंबर 4। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, आपने क्या क्या किया अभी तक, आपने NCERT सॉल्व कर लिया, RS अग्रवाल के साथ सप्लीमेंट किया, उसको वर्ड्स भी यूज किया, शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, मतलब एक बार आपने ख़त्म कर दिया पूरे बुक को। अब आपको आइडिया कैसे लगेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मतलब पिछले साल में पूछे गए हैं, तो 5 से 10 साल का क्वेश्चन उठाइए और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। उससे क्या होगा, उससे तो आपको ये पता चल जाएगा पहली बात कि आपका तैयारी का लेवल क्या है, दूसरी बात ये कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिवाइज थोरोली द कंप्लीट सिलेबस। अब इतना कर लिया आपने, रिवाइज करिए, अभी पूरा रिवाइज करना है, अभी सिलेक्टिव नहीं होना है, पूरा रिवाइज करिए फिर से। मतलब एक बार कंप्लीट किया, क्वेश्चन बैंक पूरा बनाया, पूरा का पूरा सिलेबस को थोरोली रिवाइज करना है। क्लियर है बात। आगे क्या करना है, नाउ रिवाइज द चैप्टर अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। 2 बार रिवीजन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब एक बार पढ़ा, दूसरी बार रिवीजन कर लिए। अब आपको पुराने कन्वेंशनल तरीके से नहीं चलना है, आपको उस तरीके से चलना है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा। अब मैक्सिमम मार्क्स फेच करना है तो क्या करना है, आपको उस चैप्टर को उतना ही टाइम और उतना ही एफर्ट देना है जितना मार्क्स उसके पास है। मतलब जैसे अगर मैं बताऊँ आपको कि बाइनोमियल है, अगर बाइनोमियल में आप बहुत सारा टाइम दे दिए तो भी आपको 1 मार्क्स ही देगा। क्लियर हो गया बात। अगर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, आप बहुत टाइम दे दिए, तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि एक तरीके क्वेश्चन कैसा आता है, इस तरीके का आएगा, साइन इन्वर्स 1/2 और 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक तो क्वेश्चन प्रूव करने का रहेगा। मतलब ये है कि हमको कहाँ पे कितना टाइम देना है इससे डिसाइड हो जाएगा। आपको जब मार्क्स के हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करिएगा तो ये डिसाइड हो जाएगा। अब आपका ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के आते हैं, आप इसी चैनल पे सर्च कीजिए, मैथमेटिक्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है उसमें आपको मिल जाएगा कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। क्लियर। अब आपको रिवाइज करना है चैप्टर वाइज, मार्क्स वाइज, कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क्स होल्ड करता है उसके हिसाब से। अब रैंडमली नहीं पढ़ते रहना, अदरवाइज आपका एफर्ट बेकार जाएगा। ये था पॉइंट नंबर 7। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, सॉल्व एज मेनी मॉडल पेपर्स एज पॉसिबल। अब देखो, पहली बार पढ़ा आपने, NCERT के साथ RS अग्रवाल भी कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया, और उसके बाद फिर मार्क्स के हिसाब से पढ़ाई भी करी है आपने, इतने में आपका रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट सिलेबस। अच्छा आप करेंगे, लेकिन आपको तो 100 out of 100 करना है। और उसके लिए क्या करना है कि इस मॉडल पेपर जो भी आते हैं, जो भी पब्लिकेशन का, उसको खूब सारा मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए, जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना कीजिए। इस बार आपको इस चैनल से भी आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, तो जितना भी मॉडल पेपर मिलता है खूब सारा सॉल्व कीजिए। और उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम 10 बजे से स्टार्ट होता है, 10 से 1 होता है एग्ज़ाम, तो आप 10 ही बजे बैठिए, वैसा ही कंडीशन क्रिएट करिए और 3 घंटे में ही फिनिश करने का कोशिश कीजिए। मॉडल पेपर सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि आपको ये पता चलेगा वहाँ पे कि किस तरीके का क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल नहीं हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन में कंफर्टेबल नहीं है उस टॉपिक को लिखिए, उस तरीके के क्वेश्चन को एक कॉपी में लिखिए और उसको फिर से रिवाइज कीजिए, यही तरीका है। नेक्स्ट है गिव फुल लेंथ टेस्ट। अब उसके बाद टेस्ट जहाँ पे भी मिलता है, अगर आपके पास कोचिंग है तो आप अपने कोचिंग में टेस्ट देते रहिए, कोचिंग नहीं है तो आप जहाँ से भी टेस्ट दे सकते हैं, फुल लेंथ टेस्ट, पूरा का पूरा फुल लेंथ टेस्ट देते रहिए।
अगर आप इन सारे पॉइंट्स को जिस तरीके से मैंने बताया है उन सारे को फॉलो करते रह गए, इसका साफ और सीधा मतलब है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। क्लियर? उम्मीद है आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। ये मैथ्स का सीरीज था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सारे चैप्टर्स को, इन सारे सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी वीडियो आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।